जी बताइए सर। कर्नाटक ग्राम में हुई घटना का उद्घाटन कर लिया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 14 सितंबर को सुबह के समय 4 से 5 के बीच में जो वाली हैं उनकी पुत्री जाया करती थी कोचिंग में बटोरी। उस दिन वो कोचिंग में नहीं पहुंची और छानबीन के उपरांत सबसे पहले महना थाना में अपहरण का केस दर्ज कराया गया गुमशुदगी का गुमनाम के वक्त। अगले दिन 15 तारीख की सुबह को मृतिका की डेड बॉडी बढ़ी चंवर में मिली जो कि कनौती गांव से थोड़ा दूर पड़ता है। अनुसंधान किया गया इस केस का, धारा 302 परिवर्तित धारा 302 जोड़ी गई। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराया गया जिसकी फाइंडिंग्स आई। इसमें स्पेशल टीम बनी एवं CID एफिसर की टीम को बुला करके अनुसंधान किया गया। मानवीय तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान करने के बाद में हमारे कुछ सस्पेक्ट्स थे जिस पर हमारा निरंतर काम जारी था। अन्य सस्पेक्ट्स पे कल सुबह को पब्लिक के सहयोग से हमारे क्राइम सस्पेक्ट को पकड़ा गया। उससे जब पुलिस अधीक्षक में लेकर पूछताछ की गई, उसका नाम दशरथ मांझी है। स्वीकारोक्ति बयान दिया एवं अपने पूरे घटनाक्रम को बताते हुए अपने साथ जो अपराधकर्मी थे उनका नाम बताया जिनकी अरेस्टिंग की गई है। कुल 5 व्यक्ति थे जो कि घटनाक्रम में डायरेक्टली शामिल थे, उनमें से 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए इंक्लूडिंग द प्राइम सस्पेक्ट क्राइम क्रिमिनल। और इन लोगों की निशानदेही के बयान पर जो मृतिका की साइकिल थी जिस साइकिल से वो आवागमन करती थी और उसका स्कूल बैग में रखी हुई किताबें उसके नाम की उनको बरामद कर लिया गया। इसके अतिरिक्त जो घटनाक्रम में उपयोग किए गए गमछे थे उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों से निशानदेही के आधार पर जब्त किया गया है एवं अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। इस प्रकार इस घटना में 4 पुरुष एवं एक महिला के साथ कुल मिलाकर 5 लोग गिरफ्तार किया गया है एवं पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो चुका है एवं ये जो गुत्थी थी अज्ञात विवृत केस था उसका उद्भेदन कर लिया। घटनाक्रम क्या था सर, दिन कैसे घटना हुई है? घटनाक्रम हमने आपको बताया जैसे 14 तारीख की सुबह की घटना है जब ये उस दिन की शाम को परिजनों द्वारा अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। जो हमारा क्रिमिनल है उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में एवं जो हमें पॉइंट्स बताया जिसका हमने कॉरोबोरेशन भी किया है स्थापित किया है घटनाक्रम। जब बच्ची बाहर जा रही थी साइकिल से तो 4-5 लोगों ने पूर्व नियोजित इसको घटनाक्रम को मानते हुए उसको पकड़ा था। फिर उसके साथ उसको जब पकड़ के लेकर जाया था गमछे से उसको बांधा और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया जिसमें उसकी मृत्यु हुई। क्या वजह है इसकी? वजह जो एक आदमी जितना हमारा अनुसंधान अभी चल रहा है संपूर्ण विषय बताना अभी हमारी पूछताछ जारी है और अभी उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद हम फिर से रिमांड कर लेंगे। जो बात सामने आ रही है कि उस इसी व्यक्ति जो है दशरथ मांझी ये पहले भी जेल जा चुका है, इसी ख्याति आसपास में अच्छी नहीं थी एवं इसकी अन्य विधायक अन्य बातें भी हैं जो कि अनुसंधान क्रम चल रही हैं। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर के स्थान को रचा था, ये फोकस रखता था कि बच्ची किस टाइम आती जाती है, उसके बाद इसने सूचना को अंजाम दिया। कारण कुछ तो कारण होगा, वजह होगा, कुछ तो बात हुई होगी जिसके कारण इसी बच्ची को टारगेट किया गया। कारण जो बताया गया है कि कुछ दिन पहले जब इस बच्ची पे नज़र थी दशरथ मांझी की और दशरथ मांझी पे पूर्व में ऐसी बातें आई हैं कि उसका आचरण महिलाओं को लेकर के ठीक नहीं रहा है तो प्रथम दृष्टि हम यही मान के चल रहे हैं कि उसकी वजह यही रही थी कि उसके साथ कुछ गलत कार्य को अंजाम दे सकता। रेप हुई थी क्या सर उस बच्ची के साथ? मेडिकल बोर्ड से इस बारे में पूछा गया था, उनके अनुसार सेक्सुअल असॉल्ट के फीचर्स नहीं पाए गए। ओके सर।